प्रयागराज में माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मैदान में हिंडौला शहर के बड़े कारपोरेट विद्यालयों के सारे नसों से खून खींचने का काम किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की मांग है कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन योजना चल रही थी उसको फिर से लागू किया जाए। प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बंद कर अब पेंशन योजना को जिस तरह से ही बंद कर दिया है उससे काफी दिक्कत का सामना शिक्षकों को हो रहा है, क्योंकि जिन लोग का पैसा कटता है फिर बाद में वही पैसा हम लोगों को दे दिया जाएगा, लेकिन हम लोग इसको नहीं होने देंगे। अगर वक्त रहते सरकार हम शिक्षकों की मांग को नहीं मानती है तो हम सभी पूरे यूपी के 75 जिलों के शिक्षक संघ लखनऊ मुख्यालय पर इससे भी बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश की योगी सरकार की होगी। ये धरना और प्रदर्शन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ प्रदेश संगठन द्वारा निर्धारित है। इस धरने आज केवल इलाहाबाद में नहीं, आज इस प्रदेश के 75 जिले में यह धरना और प्रदर्शन एक साथ चल रहा है। इस धरने में हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, जैसे 1 अप्रैल 2005 के बाद जो नियुक्त शिक्षक हैं उन्हें पुरानी पेंशन से आच्छादित किया जाए, नई पेंशन योजना वो पेंशन ही नहीं है, वह स्वधन निवेशित योजना है, अपना धन लगाओ और पैसा पाओ, यह स्थिति है। तो यह स्थिति में हम पुरानी पेंशन हमारी हम उदृढ़ हैं। दूसरी बात, एक मिनट यही डिस्टर्ब होता है। दूसरी बात, इस प्रदेश में 22,000 से अधिक स्ववित्त पोषित विद्यालय हैं जिन्हें वित्तविहीन विद्यालय कहा जाता है। वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक अल्प वेतन मान पाते हैं प्रबंधकों के द्वारा। हमारी लोगों की लगातार सदन में भी हमने उठाया और बाहर भी उठाएंगे कि शिक्षा का व्यवहार सरकार पर है और सरकार इन विद्यालयों में जो योग्यतम शिक्षक कार्यरत हैं उन्हें पूर्ण वेतन मान दिया जाए, उनकी सेवा पंजिका बनाई जाए, उन्हें उनकी सेवा सुरक्षित की जाए, और तब तक अगर पूरा वेतन नहीं दे रहे हैं तो मानदेय से ही 25,000 कम से कम मानदेय उन्हें तुरंत भुगतान किया जाए। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, इस प्रदेश के सभी राजकीय कर्मचारियों, राजकीय शिक्षकों, यहाँ तक कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान कर दी गई। आखिरकार माध्यमिक का अध्यापक जो सहायता प्राप्त कहलाता है या सहायता प्राप्त, वो सभी काम करता है जो राजकीय वाले करते हैं, जैसे जनगणना, निर्वाचन कराना, गिनती कराना, सब कुछ जो राजकीय कार्य होते हैं वो सब कुछ इनको लगाया जाता है। तो हमें निःशुल्क चिकित्सा सुविधा क्यों नहीं, इस बात को लेकर हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। अन्य अन्य बातें हैं।